खबर बड़वानी से। बड़वानी नगर पालिका परिषद की बैठक, कांग्रेस ने किया बहिष्कार। कांग्रेस पार्षदों ने लगाया भेदभाव का आरोप, कांग्रेस वार्डो में नहीं किया जाता, काम नहीं होती है। पार्षदों की सुनवाई, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान बोली ये सभी आरोप गलत हैं। बड़वानी नगर पालिका परिषद में सोमवार शाम को पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों सहित अध्यक्ष और नगर पालिका सीएमओ भी उपस्थित हुए। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस ने एजेंडे को लेकर सवाल किया, जवाब नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। परिषद की बैठक का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस के 10 पार्षद बैठक छोड़कर बाहर निकल आए। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने बताया, सोमवार को परिषद की बैठक थी, जहां पर खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा था। नगर पालिका बने 6 महीने हो गए, मगर कांग्रेस पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं होती। उनका आरोप है नगर पालिका द्वारा खुले रूप से भेदभाव किया जा रहा। बैठक में जो एजेंडा तैयार किया गया, उसमें भेदभाव किया गया। हमारे द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से कुछ सवाल पूछे गए, तो सीएमओ द्वारा सवाल देने से मना कर दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान ने बताया, आज जो परिषद की बैठक रखी गई, उसमें बैठक से पहले ही कांग्रेस के पार्षदों ने परिषद की बैठक का बहिष्कार कर दिया। उनका जो आरोप है कि परिषद हमारी कोई सुनवाई नहीं करती, ये सब गलत है। आज के एजेंडे में भी कई कांग्रेस पार्षदों के वार्डो में कार्य करना हमने एजेंडे में लिया, मगर कांग्रेस द्वारा बेवजह बिना एजेंडा देख कर ही बहिष्कार कर दिया। बैठक का बहिष्कार आज हम पार्षदों ने, जो 10 पार्षद हैं, इसलिए किया कि जो एजेंडा इन्होंने किया, आज एजेंडे पे बहस थी, उसमें भेदभाव किया उन्होंने। कोई भी हम कांग्रेसी पार्षदों का उसमें रोड या किसी तरह का कोई काम नहीं लिया। दूसरी बात, पिछली बार की बैठक की हमने जो है इनसे पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी कि हमने जितने कार्य आपने स्वीकृत किए थे वो कहाँ तक पहुँचे, उसकी जानकारी नहीं थी। तीसरा, हमारे कुछ सवाल थे जो हमने पूछना चाहे, तो 3 या 4 सवाल के जवाब देने के बाद सीएमओ साहब बोले, साहब ये बहुत सारे सवाल इनके जवाब में नहीं दे पाऊंगा, शायद वो असहज महसूस करने लगे हमारे द्वारा पूछे गए सवाल पर। और उन्होंने कहा कि आप चेंबर में आके मुझसे मिल लीजिए, चेंबर में आकर जो है मैं आपके सारे आंसर का, सारे सवालों का जवाब दूंगा। सवाल मेरे कुछ ये थे कि पिछले दिनों नगर पालिका में राजन खरीदी हुई, तब जब हमने पूछा साहब ये राजन खरीदी का टेंडर हुआ था या ऐसे ही, मतलब किस खरीदी बिक्री का क्या हमने प्रक्रिया अपनाई, तो उन्होंने कहा इसके बिल अभी तक मैंने पास नहीं किए हैं, तो इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तीसरा, ये जो महोत्सव हुआ था बड़वानी महोत्सव, उसके बारे में हमने जानकारी चाही, हालांकि वहां तक पहुंचने से पहले ही वो ये कह चुके थे कि साहब अब बाकी आप बाद में पूछेगा, चेंबर में आके पूछेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन था आम जनता का, मेरे पार्षदों का, जो हम लोगों ने मिलकर एक दिन पहले मीटिंग की थी उसमें हमने इकट्ठा किया था कि ये जो आनंद उत्सव का कार्यक्रम था, ये तो जिले का कार्यक्रम था। यदि जिले का कार्यक्रम था तो ऐसा क्यों हुआ कि सारे जिलों को छोड़कर सारा भार उसका जो है कार्यक्रम का, वो नगर पालिका परिषद बड़वानी पर डाला गया? क्या बड़वानी जिले में और नगर पालिकाएं नहीं है? क्या बड़वानी जिले में और विभाग नहीं है जिनके द्वारा इस खर्च को थोड़ा थोड़ा बांटा जाता? सारा वित्तीय भार हम नगर पालिका पर क्यों डाला गया, जबकि आपको विदित है कि पिछली बार का जो नगर पालिका बजट था वो बड़े बामुश्किल 10 या 11 लाख रुपए प्लस में था। और किस तरीके की समस्या है? समस्या क्या, विषय भी कुछ इस तरह के थे कि साहब ये नए ऑडिटोरियम का निर्माण, अभी जो मुख्य समस्या है इस पूरे शहर की, पूरे शहर की जो है सड़कें उखड़ी पड़ी है। मेरा निवेदन है कि पहले सभी 2400 वार्ड की सड़कें बनाएं, जो मूलभूत काम है उस पर काम करें। ये ऑडिटोरियम का अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इतना अच्छा ऑडिटोरियम आपको पता है पीछे है, क्या वो पूरा जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया? यदि नहीं गुण गया तो कितने काम होते हैं, कितने कार्यक्रम होते हैं मुझे बताइए, साल में 2 या 3 कार्यक्रम भी वहाँ नहीं कर पाते, तो इसकी क्या जरूरत है अभी? हम अगर ये अब हमारे भेदभाव करेंगे तो हम निश्चित रूप से उग्र प्रदर्शन करेंगे सभी मिलके, सारे लोकतांत्रिक तरीके से जो जो चीजें होती है वो सारी की सारी करेंगे। आज मीटिंग हुई, आज जो मीटिंग हुई है उसमें कांग्रेस के पार्षदों द्वारा बहिष्कार किया गया है। उन्होंने बिना एजेंडा सुने ही मीटिंग शुरू होने से पहले ही अपना बहिष्कार कर दिया है। और उनका आरोप है कि परिषद हमारी सुनवाई नहीं करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा सबसे बड़ा कार्य, हमारी परिषद का सबसे बड़ा कार्य कांग्रेस वार्ड के वार्ड क्रमांक 1 का जो नवलपुरा रोड है, जिसकी लागत 1,70,00,000 रुपए है, शुरू किया गया है। उसके बाद आज के एजेंडे में SDRF एवं UIDF के अंतर्गत जो प्रस्तावित परियोजना है उनमें कांग्रेस पार्षदों के विभिन्न वार्डों के कार्य सम्मिलित है। जोनल टेंडर के पहले 2 कार्य, जिसमें वार्ड क्रमांक 10 जो पार्षद कांग्रेस पार्षद का है, वार्ड क्रमांक 9 वो भी कांग्रेस पार्षद का है, के पार्षद के कार्यों को लिया गया है। आज की जो बैठक का एजेंडा था उन्होंने बिना सुने ही बहिष्कार किया है। उस एजेंडे में वार्ड क्रमांक 2 में शीतला माता मंदिर से कमलेश भाई पटेल के मकान
तक सीसी रोड जो कांग्रेस वार्ड है, कांग्रेस वार्ड है वार्ड क्रमांक 10 जो कि कांग्रेस वार्ड है, जिसमें कुंदन नगर कॉलोनी के रोड तक सीसी रोड, ये भी कांग्रेस वार्ड है। और बहुत से कार्य है जो हम लोगों ने कांग्रेस वार्ड के लिए है, उन्होंने बिना एजेंडा सुने ही अपना बहिष्कार किया है। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि वार्ड में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो रहा, पुरानी सड़कें ध्वस्त नहीं की जा रही है। आज एजेंडे में उनके कार्य लिए गए हैं पर उन्होंने कार्य सुने ही नहीं। हर बार ऐसा देखा जाता है कांग्रेस पार्षद विरोध करते हैं, इसी बार भी क्या धमाका हुआ था, ऐसे विरोध होता चले। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।